आपको बताएं कि वाटर बोर्ड के जाली वाटर पंप पर एंटी वाटर थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करते हुए 48 इंच के कंड्यूट पुराने चोनी के लिए डाले गए 4-4 इंच के कनेक्शन मुनकता कर दिए। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक कार्रवाई एमडी वाटर बोर्ड रफीक कुरैशी के अहकाम की रोशनी में अल्फलाक इलाके जुम्मा गोट में की गई। दौरान कार्रवाई एंटी थेफ्ट सेल ने 48 इंच के कंड्यूट से निकाले गए 4-4 इंच के पानी के कनेक्शन मुनकता कर दिए। दौरान कार्रवाई पानी माफिया के कारिंदे फरार हो गए, जबकि सुहेल नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानने के लिए हमने राब्ता किया है वजाहत आबदी से। जी वजाहत, क्या तफसीलात है आपके पास? जी मैं आपको बताना चलूँ, थाना अल्फला थाने की हदूद की के अंदर जुम्मा गोट है, उसके अंदर एक जाली पंपिंग स्टेशन का इंकशाफ हुआ था, जिसके ऊपर देखने में आया कि वाटर बोर्ड के एमडी रफीक कुरैशी की जानिब से फौरी अहकाम दिए एंटी थेफ्ट सेल को, जिसके ऊपर एंटी थेफ्ट सेल ने आज कार्रवाई की है जुम्मा गोट के अंदर, जिसमें जाली पंपिंग स्टेशन से 4 हॉर्स पावर की 5 मोटरें, कुछ समर पंप और टैंकर्स बरामद कर लिए गए। एंटी थेफ्ट सेल का ये कहना है कि जब हमने भारी मशीनरी के साथ वहां पर छापा मारा, पुलिस की भारी नफरी भी साथ थी, तो गैर कानूनी हाइड्रेंट जो पंपिंग स्टेशन चलाने वाले थे वो फरार हो गए थे, जिसके बाद वहां पे मौजूद सामान को जब्त कर लिया गया है। और सोहेल नामी शख्स का इंकशाफ हुआ है कि सोहेल नामी शख्स पंपिंग स्टेशन को रन कर रहा था, जो वहां से 48 इंच की पानी की लाइन से मीठा पानी चोरी करके टैंकरों के जरिए सप्लाई कर रहा, जिसके ऊपर वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल Y6 की सरबराई में सरबराई के अंदर 14A1 और 430 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए और पुलिस की जानिब से छापों का सिलसिला जारी है। गिरफ्तारियों का अमल जल्द उसमें आएगा। एंटी वाटर थेफ्ट सेल की जुम्मा गोट में कार्रवाई, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे वजाहत आबदी, आपका बेहद शुक्रिया।